बाहुबली जॉर्ज आर आर मार्टिन इन फुल जॉली मूड भर के क्रिटिसाइज किया है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग को, जिन्होंने अपनी बुक फायर एंड ब्लड से सीधा कंपेयर किया है और सीधा दावा ठोका है कि बुक में वो सीन और भी ज्यादा दमदार और क्रूअल है शो के मुकाबले। अभी आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या एक्चुअल वर्ड उन्होंने बोले हैं उस सीन को लेकर, लेकिन उनका मानना था कि उस सीन को और बेहतर बना सकते थे जिसकी वजह से शो में और भी ज्यादा जान डाली जा सकती थी। खैर, ये तो हमने बात करी ली है कल की वीडियो में। आरआर मार्टिन का कहना था कि तीसरे बच्चे को भी दिखाना था, यानी उसका मेंशन करना था, जो सिर्फ एगोन के दो ही जुड़वा बच्चों का मेंशन किया गया है शो में क्रिएटर के द्वारा, जहीरा टारगेरियन एंड जहेरिस टारगेरियन। बल्कि बुक में तीसरे सन का भी मेंशन हुआ है, मेलर टारगेरियन, जो इस इंसिडेंट तक आते आते 2 साल का हो चुका था और उसका मेंशन शो में नहीं हुआ है। देखो, आरआर मार्टिन का सीधा अपने ब्लॉग में लिखा था कि बुक में जो ये सीन है वो काफी क्रूअल है, काफी डरावना है और काफी भयानक है, जिससे लोगों को घिन भी आ जाती है और बुक पढ़ने वाले ये लोग जानते हैं। जबकि बुक में जो गार्ड किलर है वो फॉर्मर गार्ड होता है, जिसका उसके पद से हटा दिया गया था क्योंकि उसने एक महिला को पीट पीट कर बुरी तरीके से मार डाला था। और बुक में रैट कैचर के पास कुत्ता भी नहीं होता है, किलर ऐसी मानसिकता को फॉलो करता है जहां बुक में वो हेलिना को, यानी उसकी मदर को, बच्चे की मदर को चॉइस देता है कि किस बेटे को तू बचाना चाहती है और किसको मारना चाहती है, या फिर ये कहें कि किस बेटे को हम मार दें। और इससे वो अगर वो चुन के बताएगी तो उससे उसका मजा और भी ज़्यादा दमदार हो जाएगा, क्रूअल वो सीन और बन जाएगा और उस क्रूएलिटी में और भी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बाद में वो मेलर टारगेरियन से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा सर मांग रही है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रूअल था। और बुक में हेलिना अपनी जान की कीमत भी लगाती है, ना कि नेकलेस देती है, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। एंड दिस सीन ऑफ अ मदर इज जेन्युइन, क्योंकि अपने बच्चों को यूं ही इतनी आसानी से किलर को सौंप देना, ये थोड़ा जमा भी नहीं भाई। जबकि बुक में इस सीन पर काफ़ी क्रूअल, हार्डर एंड ब्रूटल ड्रामा देखने को मिला था और शो में बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें निकल कर चली गई। तो बाबा, ये था आरआर मार्टिन का कहना, जिससे क्रुएलिटी में और भी ज़्यादा पोटेंशियल आ जाता शो में। एंड दिस इज़ द एक्चुअल पोस्ट जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होगे, एक्चुअल वर्ड ऑफ जॉर्ज आरआर मार्टिन, जिन्होंने अपने ब्लॉग में ये सब लिखा था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया। और जो भी अभी एक्सप्लेन हुआ है, यही सारी पोस्ट को मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो अभी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा सीधा सीधा उन्होंने खड़ी भाषा में लिखा है, चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। और बाबा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हो तो उस पर भी काम शुरू हो चुका है, सीजन 2 आ चुका है, जिसके 4 एपिसोड डिलीवर हो चुके हैं और 3 का रिव्यू कर दिया है, तो आप जरूर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के भी फैन हो तो। बाकी हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड और भी कंटेंट आते रहेंगे। अभी एगोन कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करनी, क्योंकि सिर्फ अभी एगोन की बायोग्राफी के बारे में ही बात करी गई है, क्योंकि एगोन द कॉन्करर पर शो कन्फर्म हो चुका है, आगे क्या क्या होने वाला है तो अभी प्रिडिक्शन भी लगाएंगे। और इस बराथियन के ऊपर वीडियो लानी है, देन उसके बाद कैसे, उसके बाद भी सिविल वॉर हमें देखने को मिली थी डांस ऑफ द ड्रैगन, क्योंकि एगोन द कॉन्करर जब मर जाता है तो मेगार द क्रूअल तबाही मचाता है। और एगोन द कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करनी है बाबा, उसके लिए 1-2 वीडियो लगेंगे, क्योंकि काफ़ी तगड़ी और बड़ी कॉन्क्वेस्ट है, एक एक चीज़ को डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये पोस्ट पढ़ लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी ये पोस्ट है, पढ़ लेना, वहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।